एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अभिषा में। तो आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कि अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं वो भी अपने पेट के साथ, तो आपको बेसिक किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा ताकि आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी रहे, आपके लिए भी और आपके पेट के लिए भी। तो आप देख सकते हैं ओटिस इधर पीछे बैठा है। ओटिस ओटिस हाय कर दो, ये उधर खिड़की से देखने में बिजी है। तो आप लोगों ने हमारे वीडियोस में देखा होगा कि ओटिस हमारे साथ बहुत सारे प्लेसेस में ट्रैवल कर चुका है, तो अब वो कार में ट्रैवल करने के लिए क्वाइट कंफर्टेबल हो गया है और एक्सपीरियंस भी हो गया है। जैसे जब हम लोग वो नीचे होता है डोर जब कार का ओपन करते हैं तो वो खुद से आके बैठ जाता है, अगर ट्रैवल कर रहे हैं ब्रेक लेते हैं दरवाज़ा खोलते हैं तो वो खुद नीचे उतर जाता है और फिर उसको पता होता है कि कब उसको वापस आना है। तो जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं और ओटिस को साथ में लेके जाते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान रखते हैं, तो वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको भी पता चले कि क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हमें टेक केयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए इसको, जो बैक सीट में आप ये बैग देख रहे हैं ये पेट फ्रेंडली बैग है और ये हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो कार का सीट है वो ख़राब नहीं हो और साथ में जो भी बाल हैं वो इसमें लग जाए और उसके बाद हम लोग को क्लीन करने में भी काफ़ी कंफर्टेबल हो, काफ़ी इजी हो। तो सबसे पहले आपको चाहिए अपनी कार के सीट पर एक पेट फ्रेंडली कवर या फिर एक पेट फ्रेंडली बैग काइंड ऑफ। चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कार में कहाँ पर आपका पेट काफ़ी कंफर्टेबल है और उसको सफिशिएंट स्पेस चाहिए, क्योंकि सफिशिएंट स्पेस नहीं होगा तो वो भी काफ़ी परेशान हो जाएगा, इसलिए सफिशिएंट स्पेस चाहिए उसको ताकि वो रिलैक्स कर सके, उसको थोड़ा भी ट्रैवल करने के टाइम पे एंजाइटी नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटिस जो है वो मतलब बैक सेट तो पूरा इसी के लिए है, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिर्फ ये ओटिस ही यूज़ करता है, पूरा कभी लेफ्ट जाता है कभी राइट जाता है, अभी देखिए ये पीछे चला गया है, तो पूरा आप पीछे में मज़े करते रहता है। तो ऐसा स्पेस आपको अपने पेट के लिए बनाना होगा कि वो आराम से सो सके और थोड़ा इधर उधर हलचल कर सके। और अगर आपका पेट मेरे ओटिस की तरह बिल्कुल ही शरारती है, जो कि उछल कूद मचाता रहता है, बाहर देखता है अंदर रिएक्शन देता है, तो बेटर ऑप्शन है कि आप उसको बैक सीट पे रखें, क्योंकि ये अंदर से देखता है विंडो के थ्रू, उसको कुछ जानवर दिखता है या कुछ दिखता है तो ये खुश हो जाता है उन लोगों को देखकर, उन लोग को भी चाहता है कि हम कार में ले जाएं, पर सबको हम ले के नहीं जा सकते हैं, तो ये थोड़ा हलचल करता है इसलिए हम लोग इसको पीछे की सीट पर रखते हैं। साथ ही आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो सफिशियंट फूड और वाटर अपने पेट के लिए आपको रखना पड़ेगा, अगर आप के पास वाटर आप चाहे तो स्प्रे करके भी दे सकते हैं या फिर आप उसका वाटर का जो बॉल है या फिर वाटर का बॉटल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और फूड में हम लोग वाइल्ड ट्रैवलिंग प्रेफर करते हैं ड्राई फूड, उसका जो पेट फूड है वो, या फिर ड्राई ताकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो और वो ईजिली आराम से खा लें। हो गया हमने पी, हेलो हो गया ओटिस, छोड़ दो नहीं पिएगा, इतना ही पीना था। तो वाटर आपको टाइम टू टाइम देना होगा पेट को ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। और अगर आप काफ़ी लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो जो कि 7-8 घंटे जैसा नहीं है, अगर ज़्यादा है तो आप सबसे पहले बिफोर द जर्नी आप अपने डॉग को टेंडर कोकोनट वाटर दें और आफ्टर द जर्नी भी आप एक टेंडर कोकोनट वाटर दें, और वाइल्ड जर्नी वो तो जो नॉर्मल वाटर है वो लेता रहेगा। इससे क्या होगा कि जो भी बॉडी में आपके पेट के बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए मिनरल्स चाहिए वो आराम से जाएगा टेंडर कोकोनट के थ्रू और आपका डॉग बिल्कुल भी हाइड्रेटेड रहेगा, उसको कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। अगर आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं और आपको स्टे लेना है और आप किसी भी डॉग फ्रेंडली होटल में रुके हैं तो आपको वहाँ पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अपने डॉग का, तो आपके डॉग का जो भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा वो रखना ना भूलें। इधर आप सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं और हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं, बट हाँ ये वो लोग डिमांड कर सकते हैं
तो ये बहुत ही एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको रखना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि आपका आपका डॉग कौन सा मेडिसिन लेता है, तो आप जब ट्रिप पे जा रहे हो तो आपके पास जो भी उसका मेडिसिन है आप रख लें, कि अगर इन केस ज़रूरत पड़े तो आपको इधर उधर खोजना ना पड़े। क्योंकि आप न्यू प्लेस पे घूमने जा रहे हो तो मे भी आपको पता ना हो कि कहाँ पर पेट शॉप है या पेट का मेडिसिन कहाँ पर मिलेगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आपके डॉग की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और आपको भी परेशानी नहीं होगी। ड्यूरिंग द जर्नी एवरी 3 to 4 आवर्स डिपेंडिंग ऑन योर पेट सिचुएशन, आपको पता होगा कि वो कितने देर पे मतलब थोड़ा एंजाइटी फील कर रहा है या उसको अपने नॉर्मल ये के लिए जाना है, तो आपको 10 टू 15 मिनट्स का ब्रेक लेना होगा ताकि वो अपना जो भी है यूरिन वगैरह वो आराम से कर सके। तो आप उसके अकॉर्डिंग ब्रेक प्लान करें। घूमने के लिए जाओ, घूम के आओ। ओटी सब आ जाओ, आओ। घूम लिया ना, कितना मजा आया। चलो साथ ही आपके डॉग को जो भी ट्रीट पसंद है वो आप रख सकते हैं ट्रीट। तो जैसे कि ओटी को गाजर पसंद है, इसको गाजर हम लोग देते हैं जब सीज़न होता है, और अगर जब सीज़न नहीं है तो अकॉर्डिंगली जो भी ट्रीट अवेलेबल होता है रेडीमेड या जो भी वो हम लोग इसको देते हैं। आई होप ये और सारे जो भी टिप्स हैं आपके बहुत ही काम आएंगे और आपकी जर्नी जब भी आप पेट के साथ जाएं बहुत ही हैप्पी हो, ताकि आप उसकी मेमोरीज को हमेशा याद करें और इंजॉय करें। तो विश यू अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। What is bye kar do, bye 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 bye.